देख सकते हैं चल रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन एक का जो एम्पलीफायर है आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड हो चुका है। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम लोग एम्पलीफायर के ओवरलोड के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि चलते समय भी एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है, तो उसका समाधान कैसे किया जाए और ओवरलोड क्यों होता है उसी बारे में जानने जा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल में एक एम्पलीफायर को ओवरलोड करके भी दिखाऊंगा और उसका जो सोल्यूशन है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैट कर लो। तो गाइस, बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि चलते समय में जो एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है तो उसी को फिर से कैसे चलाना है और ओवरलोड क्यों होता है उसी बारे में आज का वीडियो है। तो गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर से जो कनेक्शन लेके लगाते हैं स्पीकर पे, तो ये वाला जो वायर पतला वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी को भी लगा लेते हैं। तो इसी को लगाने के कारण में जो कट रह जाता है बीच बीच में, तो दो वायर जब कट हो जाता है तो ज्वाइंट होके गर्म होके भी इसको शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद एम्पलीफायर ऑटोमेटिक ओवरलोड हो जाता है। और एक कारण हो जाता है कि उसका जो एम्पलीफायर में एक तो रेस्टिफायर लगा रहता है, ब्रिज रेस्टिफायर के नाम पे आता है, तो वो रेस्टिफायर अगर खराब हो जाता है तभी भी एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है। तो गाइस, आज हम लोग एम्पलीफायर को जो जो वायर रहता है कॉमन 8 ओम या फिर 4 ओम जो भी हम लोग निकालते हैं, तो उसी को शॉर्ट करके हम लोग ओवरलोड करके दिखाएंगे एम्पलीफायर को, और उसके बाद एम्पलीफायर को फिर से कैसे चलाना है उसी बारे में प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि एम्पलीफायर क्यों ओवरलोड होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा ओवरलोड करने से एम्पलीफायर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो 500 वाट का एम्पलीफायर है, उसी में सभी लोग 800 वाट तक लोड देके चलाते हैं, एम्पलीफायर ओवरलोड नहीं होता, लेकिन शॉर्ट हो जाने से फटाक से ओवरलोड हो जाता है। तो अभी हम लोग एम्पलीफायर लेके आए हैं 1000 वाट का, उसी को शॉर्ट करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो है एम्पलीफायर, वो अभी इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन हो चुका है एम्पलीफायर, और उसी का मैं वॉल्यूम खोल लेता हूँ। मैं मोबाइल इनपुट करके रखा हूँ, का जैसे सिग्नल आ जाएगा, अभी सिग्नल आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा सिग्नल आ रहा है इसमें, और चैनल नंबर 2 इसमें भी सिग्नल आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गैस, ये कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आराम से चल जाएगा, लेकिन इसको हम लोग जब इसका पीछे वाला वायर है, ये जो एम्पलीफायर का वायर है ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो माइनस, एक तो माइनस और एक तो प्लस का जो आता है, माइनस प्लस नहीं बोलूंगा इसको, कॉमन 4 ओम्स मैंने अभी 4 ओम्स पे कनेक्शन करके रखा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका सिग्नल आ रहा है ये वाला। तो ये दो वायर जब जुड़ जाते हैं ऐसे, तो एम्पलीफायर ऑटोमेटिक ट्रिप ले लेगा, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। एम्पलीफायर अभी फिलहाल चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं चल रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन एक का जो एम्पलीफायर है आप लोग देख सकते हैं ओवरलोड हो चुका है। तो अभी इसको दबाने से भी ओवरलोड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी इसी वाला एम्पलीफायर को फिर से आपको ऑफ करना पड़ेगा, और वायर को आप आराम से देख के अपना वायर को अच्छे से वायरिंग करके फिर इसी एम्पलीफायर को, ये वाला जो रिसेट का बटन है इसको पुश करना है, उसके बाद इसको फिर से चलाने से चल जाएगा, अभी कोई दिक्कत आने वाला बात नहीं है।
आप लोग देख सकते हैं फिर से ये चैनल इनपुट आ चुका है। सो गाइस, जो एम्पलीफायर आता है तो ज़्यादा लोड देने से ओवरलोड नहीं होता है, उसी में अगर आप लोग का वायर पतला वाला यूज करते हो तो वो शॉर्ट होने के कारण ओवरलोड हो जाता है। सो गाइस, हमेशा ट्राई करें कि अच्छे से अच्छे वायर डालने का। तो गाइस, अभी के लिए बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।